Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. So बच्चों आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज जग्स एंड मग्स एंड बेसिकली दिस इज़ द टॉपिक फ्रॉम क्लास 2 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7. लेट्स स्टार्ट. So everybody, first of all, open the page number 47 from your maths book. Make and enjoy lemon drink. So बेटा बहुत ही interesting activity है ये. आपको इस activity में क्या बनाना है? Lemon drink बनाना है. ठीक है? You will need, आपको चाहिए half a lemon. क्या चाहिए? Half lemon, जो नींबू होता है ना, आपको आधा नींबू चाहिए. आप खुद कट नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स के हेल्प से आप कट करेंगे लेमन को और आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे. आई रिक्वेस्ट टू ऑल दी पेरेंट्स, प्लीज़ ये जो एक्टिविटी है बच्चे अपने द्वारा करेंगे लेकिन आप लोगों की देखरेख में करेंगे. ऐसा ना हो कि बच्चे इस एक्टिविटी के दौरान अपने आप को चोट पहुंचा लें. तो सभी पेरेंट्स अपनी देखरेख में ही यह एक्टिविटी अपने बच्चों को कराएंगे. जैसा कि लेमन है वो पेरेंट्स ही बच्चों को अपने सामने कट करके दे सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से लेमन को कट किया जाता है. सो आपको हाफ अ लेमन लेना है. अब पिंच ऑफ सॉल्ट. पिंच ऑफ सॉल्ट क्या होता है बेटा? चुटकी भर नमक. ठीक है. अनदर इज अ स्पून ऑफ शुगर. आपको एक चम्मच चीनी चाहिए एंड वन ग्लास ऑफ वाटर. एक ग्लास आपको पानी चाहिए. आपको अगर लेमन ड्रिंक बनाना है तो ये चार आइटम्स चाहिए आपको. हाफ अ लेमन, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ स्पून ऑफ शुगर एंड वन ग्लास वाटर. सो फर्स्ट आपको क्या करना है, आप एक ग्लास में पानी ले सकते हैं. कोशिश करिएगा बेटा ये स्टील का ग्लास हो. अगर आप कांच का ग्लास लेंगे तो मे बी आप एक्टिविटी के दौरान ऐसा हो सकता है कि आपको चोट लग जाए. सो कोशिश करिए स्टील के ग्लास में ही एक्टिविटी करने का. नेक्स्ट में आपको क्या करना है, उस वाटर में आपको जो नींबू, हाफ नींबू आपने लिया है उसको उसमें निचोड़ देना है. जो उसका रस होगा ना उसको उसमें डाल देना है. देन थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका पिंच ऑफ सॉल्ट है, थोड़ा सा नमक चुटकी भर और एक वन स्पून ऑफ शुगर उसमें डालना है. फोर्थ में क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्पून आपको उसको मिला देना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पून. देन आपका जो ड्रिंक है वो रेडी हो जाएगा और आप अपने ड्रिंक का मज़ा ले सकते हैं. और इसी तरह गर्मियों में आप अपने पेरेंट्स के लिए लेमन ड्रिंक बना सकते हैं. सो नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, गैस एंड देन फाइंड आउट. बेटा जो ये पूरी एक्टिविटी है, पहले आपको गैस करना है. गैस करना मतलब इमेजिन करना है, जस्ट सोचना है. ठीक है, और उसके बाद एग्जैक्ट आंसर के पास पहुंचना है. सो गैस एंड देन फाइंड आउट. आपको पहले सोचना है, इमेजिन करना है, उसके बाद एग्जैक्ट रिजल्ट पे पहुंचना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन. मतलब जो आपने हाफ लेमन लिया था या आपने एक्टिविटी के दौरान या दोबारा जब कभी भी आप करोगे या ट्राई कर सकते हैं कि आपको हाफ लेमन लेना है, उसको निचोड़ना है और उस पर सर्च करना है कितने ड्रॉप्स जो है लेमन का आया था. हाफ अ लेमन में कितना ड्रॉप्स था, जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखना है इस जगह पर. सेकंड क्या है, हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन. आपको वही जो ड्रॉप्स हैं लेमन का कितना मिलेगा अगर पूरा फुल लेमन होगा. तो बेटा एग्जांपल के तौर पे अगर आपका फर्स्ट हाफ लेमन में 10 है सो फुल में कितना होगा, डबल ऑफ 10. अगर हाफ में 10 है तो फुल में कितना होगा, 20. वेरी गुड. नाउ द थर्ड, हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल वन स्पून. आपको थर्ड एक्टिविटी क्या करनी है, आपको देखना है कि एक स्पून को आपको फिल करना है विद द लेमन जूस, जो लेमन है उसके रस से, उसकी ड्रॉप से. आपको पता करना है कि एक जो स्पून, एक चम्मच होती है उसमें कितनी ड्रॉप्स लेमन की आ सकती हैं.
लिटिल बिट ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको एग्जैक्ट ड्रॉप्स को काउंट करना, बट आपको अप्रोक्सली देखना है, ट्राई करना है। ये तीनों ही चीज़ बेटा पहले आप इमेजिन करेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट डाटा पे आप पहुँचेंगे। एंड नाउ एन्जॉय योर लेमन ड्रिंक। नाउ नेक्स्ट, फॉर मेकिंग 6 glasses ऑफ लेमन ड्रिंक। अभी आपने हाफ लेमन से कितना बनाया था, 1 glass, सो अब आपको 6 glass बनाना है लेमन ड्रिंक। हाउ मैनी लेमन्स विल यू नीड, आपको कितने लेमन रिक्वायर्ड होंगे 6 glass के लिए। अगर आप 6 glass लेमन जूस बना रहे हैं तो कितने लेमन रिक्वायर्ड होंगे, याद कीजिए कि आपने जो हाफ लेमन से कितना बनाया था, हाफ लेमन से 1 glass बनाया था ना, हाफ इज इक्वल टू 1 lemon, 1 glass, 1 glass आपने बनाया था, सो आपको 6 glass बनाना है। सो 6 glass के लिए कितना लेमन रिक्वायर्ड होगा, 2 glass के लिए कितना होगा, फुल लेमन 1 lemon रिक्वायर्ड होगा, 2 glass के लिए, 4 glass के लिए कितने लेमन, 2, और 6 glass के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 3। वेरी गुड, सो वी नीड 3 lemon, we need 3 lemons for making 6 glasses of lemon drink. How many spoons of sugar will you take? आपने कितनी चीनी, कितनी चम्मच चीनी आपने 6 glasses के लिए ली। जैसे कि आपने देखा था कि फर्स्ट 1 glass के लिए हमने 1 glass के लिए कितना sugar लिया था, 1 spoon, so 6 glasses के लिए कितना लेंगे, 6। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर। बेटा स्टॉल क्या होता है, एक छोटी सी शॉप होती है, छोटी सी दुकान जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी असेंबल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है बम्बू के हेल्प से बना दिया गया है, बम्बू और नेट के हेल्प से स्टॉल बनाई गई है। देयर इज अ फेयर इन चित्राज विलेज। चित्रा जो ये गर्ल आप देख पा रहे हैं बेटा, ये इसके विलेज में क्या था, एक फेयर लगाया गया। फेयर क्या होता है, अ स्मॉल मेला, जो मेला होता है ना, एक छोटा सा मेला समझिए। चित्रा, नजीम एंड अनीस, ये नजीम है बेटा और ये अनीस है, वांट टू पुट अप अ स्टॉल टू सेल लेमन ड्रिंक। इन्होंने सोचा जब मेला होगा तो वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, तो क्यों ना हम वहाँ पर एक स्टॉल बनाएँ और स्टॉल पर क्या बेचें, लेमन ड्रिंक। दे वांट टू सेल लेमन ड्रिंक। दे मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। उन्होंने क्या है बेटा, एक पूरा बकेट भर के लेमन ड्रिंक बनाया। दे यूज़ 2 different sizes ऑफ ग्लासेस। उन्होंने अपने स्टॉल पे 2 तरह के अलग अलग साइज के क्या रखे, ग्लास रखे उन्होंने, ठीक है। इन तीनों बच्चे ने, कौन थे, चित्रा, नजीम एंड अनीस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे लिखा है, We will sell 1 small glass for 5 rupees. चित्रा ने कहा है कि अगर हम छोटा ग्लास लेमन जूस का भर के देंगे तो उसका क्या चार्ज लेंगे, कितना रुपए लेंगे, 5 rupees. देन अनीस कहता है, लेट अस सेल 1 big glass फॉर 10 rupees. अगर हम बड़ा ग्लास बेकेंगे तो उसका क्या लेंगे, 10 rupees हम लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 4 rupees 5, मतलब स्मॉल ग्लास का क्या चार्जेस है, 5 and 4 rupees 10। और स्टॉल का नाम क्या रखा है बेटा उन्होंने, लेमन ड्रिंक, ठंडा ठंडा, कूल कूल। वाओ, सो कितना अच्छा नाम है, क्योंकि गर्मियों में लेमन जूस जो होता है बहुत ही अच्छा होता है वो हमारी बॉडी के लिए, वो पानी की जो हमारी मात्रा होती है बॉडी में उसको कंटिन्यूसली अच्छा बना के रखता है। नेक्स्ट, अनीस गॉट अ जग। अनीस के पास एक क्या है, जग है। डू यू थिंक इट इज़ ईजियर टू पोर इन टू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट। क्या आपको लगता है, क्या ये आसान है, पोर मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज़ को घालना, जैसे आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी घाल रहे हैं, दैट इज़ पोर। जैसे मम्मी बड़े बर्तन से आपको ग्लास में वो देती है ना मिल्क, दैट इज़ पोर। बेटा जैसे अब आपको बताना है डायरेक्टली, अगर उन्हें ग्लास में जूस देना है, वो पूरी बकेट को उठा के
पानी उसमें घालेंगे ग्लास में, या किसी जग से या मग की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके ग्लास में डालेंगे। सो मे बी ठीक रहेगा कि अगर वो किसी जग की हेल्प से ग्लास में डालें, अगर बकेट से डालेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका उनका लेमन ड्रिंक है वो गिर जाए और ग्लास गिर जाए। तो सावधानी से करने के लिए क्या है कि वो छोटी चीज़ से दूसरी चीज़ में जूस को डालेंगे तो ठीक रहेगा। नजीम फाउंड दैट टू बिग ग्लासेस फिल द जग। नजीम ने पता किया, नजीम को पाया कि जो दो बड़े ग्लास थे ना, बड़े ग्लास जो 10-10 रुपीज़ वाले ग्लास थे, अगर 10-10 रुपीज़ वाले टू ग्लास को से वो क्या भर सकते हैं, वन जग, जो एक जग था ना उसमें कितना जूस आता है, टू बिग ग्लासेस। अब कोई गर्ल आती है, सबनम वांट्स टू बाय, सबनम खरीदना चाहती है वन जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक, मतलब वो एक जग लेमन ड्रिंक खरीदना चाहती है पूरा। हाउ मच डज सी नीड टू पे, उसको कितना रुपए देना पड़ेगा। आपने देखा कि एक जग में कितना ग्लास लेमन ड्रिंक आता है, टू ग्लास, छोटा वाला या बड़ा वाला, बड़ा वाला ना, सो टू बड़े ग्लास। सो एक बड़े ग्लास का व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ बिग ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक, 10 रुपीज़। अगर एक का चार्ज 10 रुपीज़ है, सो टू बिग ग्लासेस का क्या होगा, 20। वेरी गुड, क्या होगा, 20। चित्रा फाउंड द टू स्मॉल ग्लासेस फिल वन बिग ग्लास। चित्रा ने पता लगाया कि जो टू स्मॉल ग्लासेस है ना, छोटे वाले ग्लास, जो दो छोटे वाले ग्लास हैं वो एक बड़ा ग्लास फिल करते हैं। जैसे कि आपने देखा था एक जग में कितना जूस आता है, टू ग्लास, कैसे, बिग, टू बिग ग्लासेस आता है। सो इसी तरह एक बड़े ग्लास में कितना जूस आता है, टू स्मॉल ग्लासेस, टू स्मॉल ग्लासेस उसमें आता है। हाउ मैनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग। अगर एक जग को हमें फिल करना है, एक जग से हमें एक जग को फिल करना है स्मॉल ग्लासेस से, सो कितने ग्लासेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने देखा था कि जो छोटा वाला ग्लास था उससे टू ग्लास से क्या फिल होता है, एक बिग ग्लास होता है ना, और एक बड़े ग्लास से क्या हम बड़ा वाला जग फिल कर सकते हैं, नहीं ना। एक बड़े वाले जग को फिल करने के लिए हमें कितना ग्लासेस चाहिए, दो बड़े वाले। सो हमें क्या फिल करना है, बड़ा वाला जग। तो बड़े वाले जग के लिए हमने जैसे पता किया था ऊपर कितने बड़े ग्लासेस चाहिए, टू चाहिए था ना। सो बड़े वाले जग को अगर हमें फिल करना है छोटे वाले ग्लास से, सो बताइए कितना चाहिएगा। वेरी गुड, फोर, वी नीड फोर स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग। अगर हमें हाफ ही जग को फिल करना है, सो कितने स्मॉल ग्लासेस की नीड हमको होगी। सो यहाँ पे हमें नीड होगी टू ग्लासेस की, टू स्मॉल ग्लासेस की, यहाँ पे क्या था, फोर, और इस साइड था 20। सो बेटा ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हैं, किसी दूसरे बर्तन से कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आपको आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की देखरेख में एक्टिविटी करेंगे, ऐसा नहीं करना है कि आप अपने आप को चोट पहुँचा लें। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, फन इन फिलिंग वेजल्स। वेजल्स क्या होते हैं बेटा, बर्तन। वेजल्स क्या होते हैं, बर्तन। फाइंड आउट हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर बॉटल। आपको घर में एक्टिविटी करनी है, एक कप लेना है, जो टी कप होता है ना, जिससे क्या करते हैं, टी पीते हैं जिसमें हम, उससे आपको क्या करना है, अपनी बॉटल को फिल करना है। जस्ट अपने वॉश बेसिन के पास जाइए और आपको कप को फिल करना है, और कप के वाटर को किस में डालना है, बॉटल में, और आपको कंटिन्यूसली ये एक्टिविटी करते रहना है जब तक आपकी बॉटल नहीं भर जाती है।
और आपको पहले देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, गैस करना है, इमेजिन करना है कि कितनी बार कप में, कितनी बार कप से आप बॉटल को फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ही आपको एग्जैक्ट अपने आंसर को लिखना है। उसके बाद है फर्स्ट गैस एंड देन ट्राई इट आउट, मतलब आपको सबसे पहले गैस ही करना है तब करना है। नेक्स्ट क्या है, नाउ फिल अ डिफरेंट बॉटल विथ द सेम कप, आपको बेटा वो कप को अपने पास रखना है संभाल कर, और उसी कप से आपको किसी और बॉटल को फिल करना है। जैसे जस्ट एग्जांपल, आपने इस बॉटल को फिल करने के लिए, इस बॉटल को फिल करने के लिए आपने 10 कप्स की रिक्वायर्ड हुई, तो दूसरी जब बॉटल को आप फिल करेंगे जिसका साइज बिल्कुल अलग होगा, सो उसको जब आप फिल करेंगे सो उससे हो सकता है कम में भी, कम कप्स में वो बॉटल भर जाए, ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा में भर जाए। बट पहले आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, देन उसके बाद राइट उसको नोट डाउन करना है एग्जैक्ट आंसर। विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर, आपने जो बॉटल भरी थी पहली वाली और दूसरी वाली, उनमें से आपको पता करना है किस में कम पानी आया। ट्राई इट विथ अनदर बॉटल, आप कोई और बॉटल लीजिए। देखो जैसे साइज से हम देख पा रहे हैं, जैसे इमेजिन कर सकते हैं, अगर हम साइज देखें बॉटल का, इसमें अगर 10 कप्स आता है सो अप्रोक्सली इसमें 15 आएगा, सो किस में कम आएगा, 15 में या 10 में, सो इस वाली बॉटल में कम आया। और ये साइज में और छोटी है जो ग्रीन कलर की है, सो मे बी इसमें 8 कप्स ही पानी आएगा। विच बॉटल होल्ड्स द लीस्ट वाटर, इन तीनों बॉटलों में सबसे कम किस में आया। सो अकॉर्डिंग टू साइज अगर हम देखें तो ये ग्रीन वाली है, साइज से हमें देखने से पता चल रहा है सबसे छोटी है, तो इसमें सबसे कम आएगा। लेकिन आपके घर में जो बॉटल्स हो सकते हैं वो डिफरेंट साइज की हो सकती हैं, वो आपको कब पता चलेगा, जब आप खुद एक्टिविटी करेंगे। सो बेटा ज़रूर आपको ये एक्टिविटी घर में करना है, लेकिन पहले इमेजिन करना है बाद में एग्जैक्ट आंसर लिखना है। नेक्स्ट, सुनैना एंड जसप्रीत ब्रॉट डिफरेंट वेजल्स फ्रॉम द किचन, बेटा वो लेके आए अपनी किचन से अलग अलग तरह के बर्तन, सुनैना और जसप्रीत, दे हैड अ जग, वो क्या क्या लेके आए बेटा, देखो ध्यान से, जग आपके घर में भी होगा, ग्लास डेफिनेटली आपके घर में होगा, मग, अ पॉट, अ बाउल, बाउल क्या होता है, कटोरी। सो ये लेके आए हैं, देखो फर्स्ट क्या था, जग, मग, ग्लास, ये क्या है, बाउल है, और ये क्या है, पॉट है, 5 नंबर। सो इस तरह के बर्तन आप भी घर में ले सकते हैं, और आप डिफरेंट किसी कप की हेल्प से, किसी छोटे बाउल से उन्हें फिल कीजिए, और सबका आपको नंबर लिखना है कि जग में कितने ग्लास, सॉरी कितने कप वाटर आया था, मग में कितना वाटर आया था, कितने मतलब कप वाटर आया था, ग्लास में भी इसी तरह चेक करना है कि कितने कप जो था पानी उसमें आया था, बाउल में भी और पॉट में भी। क्वेश्चन देखो, गैस विच वेसल होल्ड्स द लीस्ट वाटर, आपको पता करना है कि सबसे कम किस में आया, लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम, एंड विच वेसल होल्ड्स द मोस्ट वाटर, मोस्ट मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में आया। सो अगर हम अकॉर्डिंग टू साइज देखें सो बाउल में भी लीस्ट आएगा, लीस्ट मतलब सबसे कम, एंड अगर साइज में देखें तो हमें पॉट जो नज़र आ रहा है इसमें क्या आएगा, मोस्ट, सबसे ज़्यादा इसमें आएगा। लेकिन आप एक्टिविटी आप करिए और उसमें आपको एग्जैक्ट नंबर भी पता चलेगा कितने कप वाटर उसमें आया था, बाउल में भी, पॉट में भी, ग्लास में भी, मग में भी और जग में भी। बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये एक्टिविटी करने में। सबसे पहले ध्यान आपको बस वही रखना है, पहले आपको गैस करना है, जस्ट सोचना है, उसके बाद एग्जैक्ट आंसर लिखना है। नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेजल्स फ्रॉम योर किचन, अब आप जाइए और अपने घर की जो किचन है उससे डिफरेंट टाइप ऑफ बर्तन लीजिए, ऐसा बर्तन लेना है जिससे आपको चोट ना पहुँचे, ठीक है। यूज़ द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम, आप सेम कप का हेल्प लेना है और सभी बर्तन को फिल करना है। काउंट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ देम कैन होल्ड, अब आपको जो बर्तन आपने लिया है उनमें आपको काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ कप्स ईच वेजल में आया था।
जैसे ग्लास में कितना कप आया था, बाउल में कितना आया, पॉट में कितना आया था, मग में कितना आया है, जग में कितना आया है, वो सारी चीज़ें आपको बेटा कहाँ हैं, यहाँ पे लिखनी है, इस जगह लिखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ इस जगह गैस, गैस का एक कॉलम बना लीजिएगा, जहाँ पहले आप खुद इमेजिन कीजिएगा, जैसे आपने पॉट को फिल किया है विद द हेल्प ऑफ, जैसे द वेजल यू यूज्ड, उसने ये बाउल है ना, बाउल का यूज़ किया, जैसे उसने इमेजिन किया कि एक कप से टू बार में उन्होंने वो फिल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बाद में जब रियल में करके देखा तो उन्हें पता चला कि थ्री कप्स में एक बाउल फिल कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है, ये डिफरेंट भी आ सकता है आपका नंबर। सो पहले गैस करना है, इमेजिन करना है, फिर आपको खुद फिल करना है एग्जैक्ट डाटा। सो यहाँ पे मग कर सकते हैं, यहाँ पे आप ग्लास कर सकते हैं, और नीचे जग कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कुछ ही बर्तन, आप फाइव वेजल्स भी ले सकते हैं, सिक्स भी, सेवन भी, एट भी, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर, जो आपकी मेमोरी पावर को डेवलप करती हैं और चीज़ों में कंपैरिजन आपको सिखाती हैं। नेक्स्ट आपके लिए एक एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल है, रिंग द वन विच होल्ड्स मोर वाटर। आपको यहाँ पे देख रखा है, बकेट है, मग है, आपको बताना है विच वेजल होल्ड्स मोर वाटर। मोर, ध्यान देना बेटा, मोर, ज़्यादा वाटर कौन होल्ड करेगा। सो डेफिनेटली जिसका बड़ा साइज है इधर ये करेगा, इधर प्लेट है एंड कप है, प्लेट की कंपैरिजन कप में ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप मटका देख सकते हैं, सो साइज के अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे कि ये, और यहाँ पे भी दो बर्तन हैं साइज के अकॉर्डिंग, दिस वन। नाउ नेक्स्ट, रानी एंड द मिल्कमैन। अब जो हम स्टोरी करने जा रहे हैं, और रानी और उसके मिल्कमैन की एक स्टोरी है। अनिल इज़ अ मिल्कमैन, जो ये मिल्कमैन है ना बेटा, इसका नाम क्या है, अनिल है। ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट द रानीज़ हाउस एवरी डे। ये रानी के घर हमेशा डेली सेम क्वांटिटी में मिल्क देता है। जैसे सोचो एग्जांपल के तौर पे, ये 2 लीटर मिल्क देता है, ठीक है। ही यूजेस मग 3 times ऑफ फिल रानीज मिल्क पॉट। जो रानी बर्तन लेके आती है ना, वो 3 mugs में, जो ये मग देता है आप इसके हाथ में देख रहे हैं, ऐसे 3 mugs में वो क्या है, उसके रानी को पॉट को भर देता है, ठीक है। सोचो 3 है ना, 3, सो हम सोचते हैं 3 liter समझ लेते हैं, ठीक है। वन डे रानीज मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क। एक दिन रानी की मदर ने क्या किया, रानी को अलग बर्तन दे दिया, जैसा पहले ये वाला पॉट था, फिर नेक्स्ट डे कुछ डिफरेंट पॉट दे दिया। एवरी डे रानीज पॉट वुड फिल टू द टॉप। जो पहला वाला पॉट था ना, वो रोज़ 3 mugs में क्या था, फुल भर जाता था, ऊपर तक भर जाता। बट टूडे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। लेकिन आज उसकी मम्मी ने उसे बड़ा बर्तन दिया था, और जब उसमें उसने मिल्कमैन ने दूध सर्व किया, तो उसने पाया कि वो पॉट पूरा नहीं भरा था, डेली पूरा भरता था, लेकिन आज बड़ा बर्तन था तो पूरा नहीं भरा। अब सोचो रानी क्या कह रही है, देखो रानी कह रही है, ओह टूडे अनिल हैज़ गिवन मी लेस मिल्क। वो कह रही है कि आज अनिल ने मुझे कम दूध दिया है। क्या सच में कम दिया था? डू यू थिंक अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क? हेल्प हर, आपको मदद करनी है, बताइए क्या उसने सच में कम दूध दिया था? नो, उसने सच में कम दूध नहीं दिया था। पहले रानी को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वो पहले स्मॉल बर्तन का यूज़ करते थे, लेकिन आज उसकी मम्मा ने बड़ा पॉट दे दिया, सो ये तो फुल भर जाता था, लेकिन इससे तो इतना ही मिल्क फिल होगा, बाकी बर्तन खाली रह जाएगा। फाइंड आउट हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे। आपकी मम्मी या पापा डेली कितना दूध घर पर लेते हैं, वो आप अपनी बुक में फिल कीजिए। ट्राई योर सेल्फ, जो अब हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं बेटा, वो आपको खुद करनी है। टेक 5 different types of big vessels फ्रॉम योर किचन। आपको अपनी किचन से
पांच बड़े बर्तन लेने हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। आप इनसे अलग ले लीजिए वेजल्स, बेटा मैंने पिक्चर इसलिए पेस्ट किए ताकि आप समझ पाएँ वेजल्स क्या होते हैं बर्तन। सो आपको पांच बिग बड़े आपको बर्तन लेने हैं, बिग वेजल्स। फिल ऑल ऑफ देम वन बाय वन विथ वन जग फुल ऑफ वाटर। एक जग से, एक जग की हेल्प से आपको सभी बर्तन को फिल करना है वन बाय वन, एक एक कर कर। व्हाट डू यू सी, व्हाई, आपने क्या देखा। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट, जब आप नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी सो आप अपने फ्रेंड से इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, एक पॉट इतना बड़ा था, एक इतना था, एक इतना था और एक सबसे बड़ा था। सो आप देखेंगे अगर ये एक मग से फिल हो पाया था तो ये टू से होगा, ये बड़ा वाला और भी उससे ज़्यादा मग ले सकता है थ्री या फोर, और ये सबसे ज़्यादा लेगा। सो यही तो होगा ना, आप जब अलग अलग वेजल्स लेंगे, अलग अलग बड़े बर्तन लेंगे तो सब में सेम अमाउंट थोड़ी ना आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना पॉसिबल कि सभी में, इसमें भी वन मग है, इसमें भी वन मग, इसमें भी और इसमें भी, ऐसा तो नहीं होगा ना पॉसिबल, सब में अलग अलग क्वांटिटी में आएगा। नाउ द थ्रस्टी क्रो। चिरपी क्रो हैज़ वेरी थ्रस्टी, एक जो क्रो था वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। इट लुक्ड एवरीवेयर, वो सब जगह देख रहा था, बट कुड नॉट फाइंड वाटर, उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। सडनली इट सॉ अ पिक्चर, पिक्चर मतलब क्या होता है बेटा, मटका, जैसे हमने पीछे पॉट देखा था ना। सो ये क्या होता है, मिट्टी का बना होता है। When it tried to drink water, जब उसने उस मटके में पानी पीने की कोशिश करी, it found there was very little water in the pitcher, उसमें बहुत ही कम पानी था। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, उसमें पानी यहाँ तक, इसी लेवल तक पानी है। सो क्रो उस पानी को नहीं पी पा रहा है। I saw paddles lying nearby, pebbles, sorry. तो उसने पेबल्स देखे, बेटा पेबल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, वहाँ पे उसने देखे थे क्रो ने। आई हैव एन आइडिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसको एक आइडिया आया, देखते हैं क्या आइडिया आया है। इट पुट द पेबल्स इन टू द पिक्चर वन बाई वन, उसने जो पत्थर थे, छोटे छोटे स्टोन्स थे, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो ये स्टोन्स है, वो सारे क्या थे, उसमें डालने लगा वो धीरे धीरे, वन बाय वन, वन बाय वन, एक एक करके वो पेबल्स मटके में डालने लगा। द वाटर केम अप, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं हाफ से कम वाटर है, लेकिन इस पिक्चर में छोटी वाली में आप देख रहे हैं पेबल्स डालने के बाद पानी क्या है, धीरे धीरे ऊपर आने लगा। चिरपी ड्रंक वाटर एंड फ्लो अवे, जो क्रो था वो वहाँ से, उसने पानी, आप देखो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं पानी पूरा ऊपर आ गया, क्योंकि नीचे क्या है पूरे एरिया में पेबल्स है ना, आप देखो ये पेबल्स है यहाँ पे और ऊपर तक पानी आ गया है, तो उसने पिया पानी और वहाँ से उड़ गया। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक अ चिरपी, आप भी उसकी तरह करना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू नो हाउ द वाटर इन द पिक्चर केम अप, क्या आप जानते हैं कि जो पानी था वो कैसे ऊपर आया। अभी हम आप जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं आपको उसकी हेल्प से पता चल जाएगा। टेक टू ग्लासेस ऑफ द स्मॉल साइज, आपको छोटे साइज के दो ग्लास लेने हैं। टेक टू ग्लासेस ऑफ द सेम साइज, सॉरी, आपको सेम साइज के ग्लासेस लेने हैं। फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विथ वाटर, आपको हाफ हाफ ग्लास जो है उसमें पानी फिल करना है। जैसे सोचो ये आपका ग्लास है, आपको उसमें हाफ हाफ पानी फिल करना है, जस्ट हाफ हाफ, ठीक है, फुल नहीं करना है। यू हैव टू पुट टैमरिंड, टैमरिंड क्या होता है बेटा, इमली सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप, गैस हाउ मैनी सीड्स यू विल नीड टू पुट इन। सो आपको बेटा टैमरिंड अगर आपके घर में है, मतलब इमली जो है उसके जो दाने होते हैं इमली के, आपको अपने एक ग्लास में डालना है
और देखना है कब तक वो पानी ऊपर नहीं आता है, और काउंट करना है आपको इमली के जो दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, जो इमली के बीज होते हैं, उनको आपको काउंट करना है कि कितने इमली के बीजों से पानी ऊपर आता है। अगर आपके पास बेटा वो नहीं है, टैमरिन नहीं है, तो आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं, लाइक पेबल्स यूज़ कर सकते हैं, सम स्टोन्स बाहर से आउटसाइड से आप ला सकते हैं, मार्बल्स छोटे छोटे जो होते हैं गोल कलर गोल सर्कल कलर सर्कल वाले, आप उनसे भी कर सकते हैं। नाउ डू इट, आप अपने द्वारा करिए। काउंट द नंबर ऑफ सीड्स यूज्ड, आपको काउंट करना है कि अगर जो सीड्स थी वो कितना सीड्स से पानी ऊपर आ गया था। नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड ग्लास, आपको सेम नंबर्स, जैसे सीड 10 सीड से आपका पानी ऊपर आ गया था, सो आपको सेम उतना ही नंबर के मार्बल्स, छोटे वाले स्टोन्स जो होते हैं ना, वो आपको ग्लास में डालना है और पता करना है फिर क्या होता है, व्हाट हैपन्स। रिपीट इट विथ स्टोन्स, आपको जो पत्थर होंगे वो बाहर से लेके आने हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, और आप कुछ ना कुछ इसी तरह से कुछ और सारी एक्टिविटीज़, कुछ और सारे स्टोन, कुछ और सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आपके घर में जो इरेज़र है आप इरेज़र को उसमें डाल सकते हैं। सोचो आपके घर में 4 या 5 इरेज़र्स हैं, आप वो डालिए उसके अंदर और चेक कीजिए कि होता है या नहीं होता है पानी का, पानी ऊपर आता है नहीं आता है। व्हाट हैपन्स नाउ, व्हाई, टॉक अबाउट इट इन द क्लास, आप क्लास में इस एक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं। वाटर इज़ यूज़फुल, बेटा पानी सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, हम बहुत जगह पानी का यूज़ कर सकते हैं, और पानी नहीं तो जीवन नहीं, ये बात हमको जान लेनी है, इसलिए सेव वाटर सेव अर्थ, अगर आपको धरती को बचाना है तो पानी को बचाइए। फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स इज़ यूज्ड इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ ये एक्टिविटीज़ आपको बेटा दी गई हैं, यहाँ पे बच्चा नहा रहा है एंड ये आदमी कपड़े धो रहा है, ये लेडी बर्तन साफ़ कर रही है एंड ये गर्ल पानी पी रही है। सबके घर में इस तरह की ज़रूर एक्टिविटी होती हैं, सो आपको काउंट करना है हाउ मैनी मग्स और बकेट्स, जैसे जो नहाना है, नहाना क्या हम मग से ही, एक मग दो मग तीन मग से नहा लेते हैं, नहीं ना, हम बकेट का यूज़ करते हैं, तो आपको बताना है कितना बकेट्स आप यूज़ करते हैं। आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि एक बकेट में कितना मग्स आता है, अगर आप एक बकेट में नहा लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, एक बकेट से आपने नहा लिया सो एक बकेट में कितना मग्स आया, एग्जांपल के तौर पे 15 मग्स आया। कपड़े धोने में आप कितना बकेट यूज़ करते हैं या मग्स जो यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, बर्तन धोने में और पानी पीने में। सो ये जो एक्टिविटीज़ हैं बेटा बहुत ही मज़ेदार हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप जानेंगे कि आपके घर में पानी से क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या काम में पानी आता है और कितना पानी आप एक्स्ट्रा वेस्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारा पानी ऐसे ही टैब में चलता रहता है और हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक है, सो हमें ऐसा नहीं करना है, पानी को बचाना है, पानी रहेगा तो जीवन रहेगा, अगर पानी नहीं तो जीवन नहीं। गैस एंड देन फाइंड आउट हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर फिल वन बकेट, आपको बेटा पहले इमेजिन करना है, मैं पहले भी बोल रहा था, जस्ट पहले आपको इमेजिन करना है कि एक बकेट को भरने के लिए अप्रोक्सली लगभग कितने मग्स चाहिएंगे, आपने इमेजिन करके पहले लिखिए, फिर उसके बाद एग्जैक्ट में पता कीजिए, पानी को भर भर कर मग से बकेट को फिल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। सेकंड है हाउ मैनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ, आप जो पानी के लिए है बेटा कितने बकेट्स पानी आप लेते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है इस साइड। हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ, आपने बकेट में पहले बकेट में बता दिया, फिर पहले वाले इस वाले क्वेश्चन में आपको पता चल गया था कि एक बकेट में कितना मग पानी आता है, तो अब आपको बताना है कितना मग पानी में आप नहाते हो, यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून, कितना पानी एक बलून को फिल कर देगा। हाउ मच वाटर इज़ नीडिड टू फिल अ वाटर गन, पिचकारी, जो पिचकारी होती है ना जो हम होली फेस्टिवल पर यूज़ करते हैं अक्सर,
वो कितना पानी ऑब्ज़र्व करती है। अगर आपके घर में है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। आई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस। हाउ मैनी बकेट्स कैन 2 कैमल्स ड्रिंक एट वंस। बेटा एक कैमल है और वो कैमल कह रहा है एक टाइम में, इन वन टाइम ही ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर, मतलब एक बार में वो 9 बकेट्स, कितना पानी पीता है, 9 बकेट्स। सो आपको बताना है 2 कैमल्स, अगर दो ऊँट हैं तो दो ऊँट कितना पानी पिएंगे, बताइए। यस, 2 टाइम्स ऑफ 9, 9 प्लस 9, सो क्या होगा ये 18। सो 18 बकेट्स पानी पिएंगे 2 कैमल्स। सो स्टूडेंट्स बाय बाय, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।